आज अपन देखेंगे नोट्स कैसे बने, ठीक है। अपन सबसे पहले देखेंगे ये एक रस्सी है, ठीक, हाफ इंच सबसे पहले, उसके बाद ये बन गई थंब नोट, जिसका यूज किसी भी जो रस्सी का, जैसे ये कोना है, वो रस्सी का कोना ना खुले इसलिए ये थंब नोट बांध रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे फिगर ऑफ एट, ठीक है। सबसे पहले लेंगे अपन, हर नोट में हाफ इंच लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले लिया अपन ने हाफ इंच, देन उसको पूरा राउंड करते हुए उसको वापस इस गड्ढे में डाल के और खींच देंगे। ध्यान से देखिए, ये एक बन गया है, ठीक है, देन ये खींच, ये बन गया, ठीक है। जब दो बराबर की रस्सी हो तो उसको कैसे ज्वाइन करें, पहले ये रस्सी को ये पकड़ ले, ठीक, ये दूसरा रस्सी, उस दूसरी रस्सी को बीच में से ये डालने के बाद पूरा घुमाते हुए ऊपर ले जाके वापस उसी रस्से में ये देख रहा है, ये डाल के ये इजीली नहीं खुलेगा। अगर आप कहीं ऊपर चढ़ रहे हो तो ये नोट बहुत जरूरी है। दोस्तों एक आग कैसे लगती है, दोस्तों एक आग को बनाने के लिए तीन चीज़ें जरूरी होती हैं, जैसे कि फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। पहली चीज़ जो कि फ्यूल है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस भी हो सकती है। अब लेते हैं अपन लिक्विड फ्यूल को। लिक्विड फ्यूल, जैसे कि आप जानते हैं पेट्रोल या डीजल एक ऐसे लिक्विड है जो कि जलते हैं। इसके अलावा भी बहुत से लिक्विड मौजूद हैं, जैसे कि सॉलिड फ्यूल, जैसे कि लकड़ी, कागज, गद्दा, इस तरीके की चीज़ें जो कि सॉलिड होती है, जिसके ऊपर आग लग सकती है। फ्यूल गैसेस फ्यूल, जैसे कि CNG, नेचुरल गैस और दूसरी चीज़ें, किसी भी आग को लगाने के लिए ये तीनों फ्यूल जरूरी है, ठीक। सेकंड, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो आग लगेगी, नहीं है तो नहीं लगेगी। फिर आता है तीसरी चीज़, हीट, ठीक है। जब वो तीनों चीज़ें फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल ऑक्सीजन, हीट, जब वो तीनों चीज़ें आपस में मिलती है तो आग लग जाती है, इसलिए इसको फायर ट्रायंगल कहते हैं। और फायर ट्रायंगल को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आग को जब हम बुझाना चाहते हैं तो हमें इस फायर ट्रायंगल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेक कैसे किया जाता है, तो हम इस ट्रायंगल में से किसी एक एलिमेंट को हटा देते हैं, जैसे कि हमने पहले हटाया फ्यूल। जब अगर हम फ्यूल हटा देंगे तो आग लगेगी ही नहीं, ठीक। उसके बाद हम हटाएंगे ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन हटा देते हैं या फिर कट ऑफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन आना बंद होगी, हवा नहीं लगेगी, एयर नहीं आएगी, आग लगेगी नहीं, और आग उससे बहुत कंट्रोल हो जाती। फिर आता है हीट, अगर हीट को हम फ्यूल से दूर रखेंगे तो आग लगेगी ही नहीं। थैंक यू।